Good morning, students. In the previous videos of third chapter, we have discussed about the nose bleeding, insect bite, animal bite, snake bite, and what kind of first aid we should given to the person who got these kind of emergencies. So today we will discuss about the heat stroke. What is heat stroke? Heat stroke क्या होता है? एक condition है जब हमारी body क्या है overheated हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा क्या है गर्मी पड़ती है, समर सीजन में होता है मोस्टली, ज़्यादा टाइम के लिए क्या है हम अंडर द सन रहते हैं तो क्या हो जाता है हमें हीट स्ट्रॉक. तो जो भी पर्सन इस चीज़ से अफेक्टेड होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या है ज़्यादा हो जाता है, नॉजिया हो जाता है उसे, हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है, स्वेटिंग होती है और वो कई बार बेहोश भी हो जाता है, फेंट हो जाता है. तो हमें क्या करना है, फर्स्टली तो उसके क्लोथ्स हैं वो लूज कर देने हैं और उसे क्या है हॉट प्लेस से दूर ले जाना है और क्या है उसके नेक पर और आर्मपिट पर क्या है हमें आइस पैक लगाना स्टार्ट कर देना है. नेक्स्ट है चॉकिंग. चॉकिंग में क्या होता है, चॉकिंग कैन अकर व्हेन वी ड्रिंक और ईट व्हाइल टॉकिंग. जब हम बोलते टाइम कुछ खा लेते हैं, खाते खाते क्या है बोलते हैं तो क्या होता है फूड क्या है हमारी विंड पाइप में क्या है एंटर हो जाता है, जाना उसे फूड पाइप में होता है बट वो विंड पाइप में चला जाता है, तब हमें क्या है सांस लेने में तकलीफ होती है. तब हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या है विक्टिम के क्या है पीछे चले जाना है, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ठीक है, उसकी वेस्ट को ऐसे पकड़ना है, प्रेस करने के बाद क्या है उसे बैक से क्या है हमें इनवर्ड पुश करेंगे. तो हमें इस प्रोसेस को 3 बार क्या है हम रिपीट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो विक्टिम है जो वो खांसना स्टार्ट कर दे और उसे सांस आने लगे. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है. जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. इस केस में क्या करना है हमें ORS देना है, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दे देना है उस पर्सन को. ORS के पैकेट आते हैं ऐसे मार्केट में अवेलेबल. और क्या करना है अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ले लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे और उसमें क्या है 3 टेबलस्पून हमें टीस्पून क्या है हमें शुगर के मिक्स करके उस पर्सन को दे देने हैं और उसकी डिहाइड्रेशन क्या है ठीक हो जाएगी. नेक्स्ट है फायर सेफ्टी. फायर सेफ्टी में क्या है, फायर मोस्टली क्या है स्वेयर इंजरीज कॉज कर देती है जब वो कंट्रोल नहीं होती. तो अ फायर कैन ब्रेक आउट एट होम ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, गैस लीक, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मैच स्टिक, कैंडल, क्रैकर्स. अगर आप कभी आप पटाखे चला रहे हैं या मैस्टिक अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या गैस लीक हो गया या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, गैस लीक हो गई तो उस वजह से क्या है फायर क्या है हमारे लिए स्वेयर इंजरीज कॉज कर सकते हैं. फायर को मोस्टली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जब क्या है फायर अक्कर करती है, होती है ऑक्सीजन, फ्यूल और फ्लेमेबल सब्सटेंस. तो अगर फायर क्या है इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हुई है, ठीक है, तब हमें क्या करना है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे या फिर सैंड. वाटर हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वाटर क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है. अगर क्या है ऑयल को क्या है कोई ऑयल लीक हो गया उस वजह से फायर कॉज हुई है तब भी हमें क्या करना है सैंड यूज करनी है, वाटर यूज नहीं करना है, ठीक है. बिकॉज अगर वाटर यूज करेंगे तो ऑयल क्या है लाइटर हल्का होता है पानी से, तो क्या है उसका कॉन्टैक्ट बंद नहीं होगा ऑक्सीजन सप्लाई, तो क्या है बर्निंग होती ही रहेगी. नेक्स्ट अगर फायर कॉज ड्यू टू द बर्निंग वुड, अगर कोई पेपर जल रहा है पेपर की वजह से, पेपर मिल में आग लगी है सपोज, या फिर क्या है वुड्स को आग लगी है लकड़ियों को किसी जंगल में है हम कहीं पे भी, तो क्या है हमें वहां पर वाटर स्टोर करना है. ये सारी एग्जाम्पल दी हुई है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सैंड के थ्रू कर रहे हैं और ये वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड योर टुडे होमवर्क इज दीज फिलअप्स एंड दिस फ्लो चार्ट. थैंक यू.